हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल पी सी एम बी डिजिटल ग्रुपल ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हम आज एलेवन पॉइंट वन पढ़ेंगे सभी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब वीडियोस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है प्लेलिस्ट ऑफ चैनल का यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीच द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज अब वो लगता है कि कैसे पानी ट्रीज़ के ऊपर तक पहुँचता है कैसे सब्सटेंसेस एक से दूसरे में उसमें मूव होते हैं क्या सभी सब्सटेंसेस सिमिलर वे में मूव होते हैं या सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं एनर्जी कहाँ से आती है रिक्वायर्ड है या नहीं है प्लांट्स तो को तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेज तक मूव करना पड़ता है हमारे से बहुत ज़्यादा हाइट होती है क्योंकि प्लांट्स की और उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता है वाटर टेकन अप बाय द रूट्स हैज टू रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अप टू द वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम रूट से लेकर स्टेम तक मूव करना पड़ता है हमें वाटर को फोटोसिंथेसिस जो आपने लीव्स पे करी होती है वो भी आपको रूट टिप्स तक पहुंचानी पड़ती है तो ये सभी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के आसपास की चीज़ें ये भी हमें करनी पड़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को समझने के लिए हमें अपनी बेसिक नॉलेज ऑफ सेल को दोबारा रिपीट करना होगा वन एटमी ऑफ प्लांट बॉडी को रिपीट करना होगा और डिफ्यूजन भी समझना होगा वेन वी टॉक ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेज तो हमें पहले डिफाइन करना होगा हम कौन से मूवमेंट की बात कर रहे हैं राइट right? तो जैसे स्मॉल डिस्टेंस मूवमेंट की आप बात कर रहे हो तो वो मूव करेंगे डिफ्यूजन से या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइटोप्लाज्म के मूवमेंट से साथ में उनको सप्लीमेंट या मदद करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्टरी एनर्जी कंजप्शन और जब लॉन्गर डिस्टेंस की बात करते हो तो वैस्कुलर सिस्टम से ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम और फ्लोएम से और उसको हम लॉन्गर डिस्टेंस वाले को कहते हैं ट्रांसलोकेशन एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस टाइम है वो कंसिडर करना होगा वो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट है जाइलम में जो है ट्रांसपोर्ट जनरली यूनिट डायरेक्शनल होता है यानी रूट से वाटर स्टैम्प की तरफ ही जाएगा ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं हालांकि वो मल्टी डायरेक्शनल जाते हैं फ्लोएम वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लीव्स में हैं वो सभी पार्ट्स तक पहुंचते हैं स्टोरेज ऑर्गन से फिर दोबारा रीएक्सपोर्ट हो जाते हैं या रूट से भी पहुंच सकते हैं वो भी ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑर्गेनिक मटीरियल्स और मिनरल्स तो बाय डायरेक्शनल हैं लेकिन वाटर जो रूट वाला है वो यूनिडायरेक्शनल है जब कोई भी प्लांट पार्ट सेनेसेंस या डेथ की तरफ बढ़ता है तो न्यूट्रिएंट्स को उन रीजन्स में से उन प्लांट पार्ट से हटा दिया जाता है और ग्रोइंग पार्ट्स की तरफ भेज दिया जाता है हार्मोन्स वगैरह भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इन ए फ्लावरिंग प्लांट दर इज ए कम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस जैसे कि डिफ्यूजन डिफ्यूजन एक पैसिव तरीका है जिसमें एक पार्ट ऑफ सेल से दूसरे पार्ट ऑफ सेल तक चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं फ्रॉम द इंटर सेलर स्पेस है स्पेस इन बिटवीन द टू सेल्स इसमें कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव करते हैं हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ नेट रिजल्टेंट मूवमेंट होती है डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है डिफ्यूजन इज ऑबियस इन गैशेस एंड लिक्विड्स लेकिन सॉलिड्स में थोड़ा सा कम है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर भी प्रॉपर डिफ्यूजन होता है राइट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज़ इम्पॉर्टेंट यानी कि दो सॉलिड सब्सटेंसेस में ये सॉलिड है इस सॉलिड में इनमें डिफ्यूजन होना आसान है बट इनका डिफ्यूज होना थोड़ा सा मुश्किल है डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रेदर देन ऑफ सॉलिड्स डिफ्यूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि गैशियस मूवमेंट करने का ये एक लौता तरीका है प्लांट के पास किस किस चीज़ से अफेक्ट होता है तो परमेबिलिटी ऑफ़ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग दैम टेम्परेचर और प्रेशर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कि एक ग्रेडिएंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जिसके हिसाब से चीज़ें डिफ्यूज़ करती हैं राइट जैसे स्मॉलर सब्सटेंसेस जल्दी डिफ्यूज़ करेंगे ये डिफ्यूजन रेट को डिपेंड करता है कि अगर हमें एक लार्जर मॉलिक्यूल और स्मालर मॉलिक्यूल को डिफ्यूज़ कराना है तो स्मॉलर मॉलिक्यूल जल्दी डिफ्यूज़ करेगा डिफ्यूजन साइज़ के अलावा सॉलिबिलिटी इन लिपिड्स पर डिपेंड करेगा सब्सटेंस सॉलिबल इन लिपिड्स वो आसानी से या फास्टर मूव करते हैं और जिनमें हाइड्रोफिलिक या वाटर मोइटी होती है उनको थोड़ा दिक्कत होती है और ऐसे लोगों के लिए हमें फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के दौरान मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पर कुछ साइट्स होती हैं जिनके साथ हाइड्रोफिलिक मोइटी वाले सब्सटेंसेस बाइंड करते हैं और फिर वो मूवमेंट होती है लेकिन ये खुद कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में बल्कि ऑलरेडी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा होगा राइट इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जैसे कि हम पिताजी के कंधे पर बैठ के बचपन में, में मेला देख लेते थे कुछ वैसा कि देर इज ए कैरियर जिसके थ्रू हम उस प्रोटीन या आयन चैनल के थ्रू चले जाएंगे वो वाली बात है कोई हम अपनी तरफ से आके वो सब्सटेंस अपनी तरफ से आके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रेम नहीं करेगा यानी इसमें भी हमारी कोई एनर्जी नहीं लगेगी इसमें हालांकि लो टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी क्योंकि ऑलरेडी ग्रेडियंट एग्जिस्टिंग था ट्रांसपोर्ट रेट ऑलरेडीज मैक्सिमम एंड ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आर बिंग यूज जब सभी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स या बेमिन प्रोटीन साइट्स एक्यूमलेट हो जाएंगी तो उससे आगे फिर आप इस तरीके के, के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करा पाएंगे क्योंकि सैचुरेशन आ जाएगी फैसिलिटी डिफ्यूजन स्पेसिफिक होता है ठीक है इट अलाउ सेल टू सब्सटेंस सेक्ट सब्तान सेल को अलाउ करता है कि आपको कौन सा सब्सटेंस करना है इनिवेटर्स के खिलाफ भी ये सेंसिटिव रहता है इनविटर्स को जनरली अलाउड नहीं करता प्रोटीन फ्रॉम चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू सही बात है कैरियर प्रोटीन है जैसे ये कि इसने एक चैनल बना रखा है ये मेम्ब्रेन के दो एंड्स हैं इसके थ्रू कि यहाँ से चीज को दूसरी तरफ ले जाया जा सकता है यूनिपोर्ट दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हों तो एंटीपोर्ट दो मॉलिक्यूल्स एक तरफ जा रहे हों तो सिम्पोर्ट और ये तो मेम्ब्रेन है जैसा मैंने अभी बताया था आपको सम लार्ज सम स्मॉल जो चैनल्स होते हैं पोरेंस आर प्रोटीन्स दैट फॉर्म लार्ज पोर्स ताकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकें

और बाद में फेस इधर है यानी कि इसने खुद को रोटेट कर लिया है चीज़ों को सेल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल इसने पिक किया था ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ ये ट्रांसपोर्ट कर चुका है ये चीज़ भी हमें एकदम क्लियरली यहाँ पर नजर आ रही है उसके बाद पैसिव सिम्पोर्ट्स एंड एंटीपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि सम कैरियर्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउड डिफ्यूजन ओनली इन इफ़ टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ कैरियर प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सिम्पोर्ट ही अलाउ करते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो एंटीपोर्ट ही अलाउ करते हैं और जब सिंगल मॉलिक्यूल पास करता है तो उसे यूनिपोर्ट कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग अस